तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के उर्दू के रोशनी की किताब से चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है खाली संदूक। बहुत दिनों से वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा था रोशनी का, क्योंकि देखिए रोशनी का बुक इम्पॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो आप लोगों का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है दरक्षा का बुक, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो अगर उस पर आप लोगों का पकड़ है ना, तो समझ लीजिए आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी इसको मैं नॉर्मली लेकर चल रही हूँ, क्योंकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो इसीलिए इसको मैं आराम आराम से चैप्टर धीरे धीरे कम्प्लीट करा रही हूँ। अभी टाइम है आप लोगों के एग्ज़ाम में, ठीक है? तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों के रोशनी के बुक में टोटल कितना चैप्टर है? 12 चैप्टर है। हाँ 12 ही है शायद। हाँ तो 6 चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, बचा और 6 चैप्टर। तो धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का रोशनी के बुक का भी सारा चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक। मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूँगी और उर्दू का टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और बहुत जल्द देखिए 10th क्लास के उर्दू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसका आप लोग इंतज़ार कीजिए। इसीलिए आप लोग पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी सीरीज स्टार्ट हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और जो लोग पहले से ही सब्सक्राइब करके रखें तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के पास हमेशा नोटिफिकेशन जाते ही रहेगा, ठीक। तो चलिए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं, चैप्टर नंबर 6 पढ़ लेते हैं, खाली संदूक, जो कि एक अफसाना यानी कि कहानी है और असामी कहानी है, यानी कि असामी भाषा में लिखी हुई कहानी है। और इस कहानी को असामी भाषा में किसने लिखा, यानी कि राइटर कौन है, मुसन्निफ़, वो है इंदिरा गोस्वामी। इंदिरा गोस्वामी जो है ना, खाली संदूक नाम के इस कहानी को असामी भाषा में लिखे थे, यानी कि ये कहानी क्या है, असामी कहानी है, ठीक। तो चलिए इसमें तो राइटर के बारे में कुछ पढ़ना उड़ना नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे खाली संदूक इस कहानी को। आखिर इस कहानी में क्या बातें बताई गई, पूरी कहानी क्या है मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए इस कहानी का जो मरकज़ी किरदार है ना, वो है तारादोई। मेन कैरेक्टर जिस पर ये कहानी लिखी गई है वो कौन है, तारादोई नाम की लड़की रहती है, आप बोल सकते हैं औरत रहती है, ठीक है। और भी किरदार हैं जो कि मरकज़ी नहीं है, और भी ढेर सारे किरदार हैं जो कि इस कहानी में रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि हैबर है, छोटे कुंवर है, सोमेश्वर है, ठीक। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि तारादोई नाम की औरत रहती है, जिसकी शादी हो गई रहती है एक पियक्कड़ से। शराबी इंसान रहता है, इतना ज़्यादा शराब पीता है कि क्या बताया जाए। और इसके तारादोई के दो बेटे भी रहते हैं लोग। तो एक दिन होता यह है कि तारादोई का जो शौहर रहता है, शराबी पियक्कड़, इतना ज़्यादा पी लेता है, ना शराब, कि शराब के धुत में आकर गाड़ी चलाता है, और गाड़ी चलाते चलाते जाकर दो आदमी को कुचल ही डालता है। डायरेक्ट दो लोगों की मौत हो जाती है, ठीक। तो पुलिस आती है, और पुलिस आने के बाद तारादोई के शौहर को पकड़कर जेल लेकर चली जाती है। अब तारादोई और उसके दोनों बच्चे अकेले पड़ जाते हैं। तारादोई का घर शमशान घाट के ठीक बगल में ही रहता है, एकदम सटे हुए, आप यूँ कह सकते हैं कि शमशान घाट में ही रहता है। शमशान घाट आप लोग समझते हैं ना, जहाँ पर डेड बॉडी को दफनाया जाता है, ठीक। तो शमशान घाट में ही आप बोल सकते हैं तारादोई का घर रहता है, जहाँ पर जिस घर में तारादोई और वो अपने बच्चों के साथ रहती है, ठीक। और ध्यान दीजिए यहाँ पर, शमशान घाट में खाली संदूक पड़ा रहता है। चैप्टर का क्या नाम है? खाली संदूक। और उसे शमशान घाट में बताया जा रहा है कि एक खाली संदूक पड़ा रहता है, जिसको तारादोई अपने घर में लेकर आती है, और उसी खाली संदूक में वो सोती है। वो खाली संदूक को बंद करके नहीं, खोलकर, उसका संदूक मतलब समझते हैं ना, जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, ठीक है। तो वो संदूक का ढक्कन खोलकर सोती है, ऐसे नहीं कि बंद करके सोती है, खोलकर बस उसके संदूक में बिस्तर कर दी रहती है और उसी पर सोती है, और बाकी बच्चों को उस संदूक में नहीं बल्कि बाहर सुलाती है चटाई पर, ठीक है। और खुद वो संदूक में, मतलब उस संदूक से तारादोई का बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, ठीक। तो दिन भर सारा काम करती, शाम को अपने संदूक में बिस्तर कर लेती, और बिस्तर पर उसी संदूक में सोती तारादोई, और बाकी सभी बच्चों को, दो तो इसको बच्चे थे, ठीक, तो दोनों को चटाई पर सुलाती थी, आप बोल सकते हैं चौकी पर, हाँ शायद चौकी पर ही सुलाती थी। तारादोई रोज सुबह में उठ जाया करती थी, पता नहीं तारादोई का मतलब उतना भोर में कैसे नींद खुल जाता, सबके उठने से पहले ये उठ जाया करती थी। और उतना भोर में एक उसी के तारादोई के घर के सामने एक हैजी नाम का पेड़ था, याद रखिएगा कि पेड़ का क्या नाम था, हैजी, ठीक है। एक हैजी नाम का पेड़ था, और उसी पेड़ के नीचे हैबर नाम का आदमी आकर खड़ा होता था। वो हैबर जो है ना, वो एक लकड़हारा रहता है, ठीक है। और वो चाहता था, हैबर नाम का आदमी, कि तारादोई से वो शादी कर ले। हैबर नाम का इंसान जो है ना, वो तारादोई से एक बार बोला भी था कि देखो तुम्हारा शौहर जो है ना,
वो कभी जेल से बाहर नहीं आने वाला है। दो आदमी को कुचला है, दो आदमी को, जेल से कभी बाहर नहीं आएगा। इसलिए तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारे बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। ठीक, वो हैबर चाहता था कि तरादोई एक मौका दे, लेकिन तरादोई वैसी नहीं थी। तरादोई इग्नोर कर दी और वो एक भी मौका दी कहाँ। ठीक, उसके बाद से रोज आता था हैबर उस हैजी नाम के पेड़ के नीचे ताकि तरादोई एक मौका दे दे, लेकिन तरादोई ऐसी नहीं थी। रोज़ सुबह सवेरे उठती, सबके उठने से पहले सारा काम करती और इस तरह जो है ना तरादोई की ज़िंदगी बीत रही थी। एक दिन तरादोई रात को सोई हुई थी उसी संदूक में, खाली संदूक में, तो किसी ने रात को दरवाज़ा खटखटाया। तरादोई उठी और जाकर दरवाज़ा खोली तो देखी क्या कि तरादोई का भाई सोमेश्वर आया हुआ है। तरादोई का भाई का क्या नाम था? सोमेश्वर, याद रखिएगा। तो जैसे ही सोमेश्वर तरादोई के घर के अंदर आया और उस खाली संदूक को देखा ना, तो चौंक उठा। अब थोड़ा देर शांत रहा और बोला तरादोई से कि क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिलाओगी? तो तरादोई बोली क्यों नहीं, रुकिए मैं लाती हूँ अभी। तरादोई एक गिलास पानी लाई और सोमेश्वर आराम से बैठकर और पानी पिया और तब तरादोई से बोला, पता है ये संदूक छोटे कुंवर साहब का है। तो तरादोई बोली क्या, ये छोटे कुंवर साहब का है? अब यहाँ पर बात आती है कि भाई ये छोटे कुंवर कौन है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि ये छोटे कुंवर कौन है। तरादोई की शादी नहीं हुई रहती है जब वो बच्ची रहती है ना, ठीक है, तो छोटे कुंवर के घर ये जाती थी काम करने के लिए, नौकरानी के तौर पर। नौकरानी थी छोटे कुंवर के घर में। ठीक, छोटे कुंवर के वालिद का एक दिन तबीयत खराब हो गया, छोटे कुंवर के पिताजी का तबीयत खराब हुआ ना, तो वो जो तरादोई थी, अभी मैं बचपन की बात बता रही हूँ, जब वो लड़की थी, अभी इसकी शादी नहीं हुई थी तब की बात मैं बता दे रही हूँ तरादोई की। ठीक है, तो तरादोई के क्या की, छोटे कुंवर के वालिद पिताजी का तबीयत खराब हो गया था तो बहुत ज़्यादा देखभाल की। ठीक, घर का सारा काम करती थी तरादोई और बहुत ज़्यादा देखभाल की, और ये देख कर ना छोटे कुंवर के वालिद पिताजी तरादोई का हाथ मांगे अपने बेटे के लिए। ठीक है, यहाँ तक कि छोटे कुंवर भी चाहता था कि तरादोई से शादी कर ले। ठीक है, उसके बाद से तरादोई बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ठीक है, और वो शादी के लिए छोटे कुंवर से हाँ भी कर दी थी और अपना सब कुछ निछावर कर दी थी छोटे कुंवर पर, मतलब दिल व जान से चाहने लगी छोटे कुंवर को तरादोई, सब कुछ निछावर कर दी। मतलब आप बोल सकते हैं, मतलब तरादोई की दुनिया छोटे कुंवर ही बन गए थे। ठीक, तो एक दिन हुआ ये कि तरादोई को मालूम चला कि छोटे कुंवर की मौत हो गई है जीप एक्सीडेंट में। ठीक, तब तरादोई बहुत ज़्यादा रोई, एक तरह से इसको सदमा लगा, और उसके बाद से तब इसका शादी हो गया उस पियक्कड़ से। ठीक है, जिसका जो शराब पीकर दो आदमी को कुचल दिया था उससे शादी हो गया। ठीक है, और तरादोई जिस संदूक को लेकर आई थी वो संदूक छोटे कुंवर का ही रहता है, जिसमें छोटे कुंवर के डेड बॉडी को लेकर आया गया रहता है। ठीक है, तो वही बोलते हैं सोमेश्वर कि ये तो संदूक छोटे कुंवर का है, मुझे याद है मैं साथ साथ आया था इस संदूक के साथ। तो तरादोई जो है ना, वो अब उसकी आँखों में आँसू भराए कि देखो ये संदूक छोटे कुंवर का है। अब फिर से उसकी पुरानी याद आने लगी। ठीक है, तो सोमेश्वर उठा और बोला कि लेकिन तुमको नहीं मालूम तरादोई, एक नंबर का धोखेबाज था छोटे कुंवर, ये तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, वो तुमको धोखा दे रहा था, किसी और से शादी करना चाहता था वो। देखो मैं तुमको शादी का कार्ड भी दिखाता हूँ। सोमेश्वर जो है ना, छोटे कुंवर के शादी का कार्ड दिखाया किसी और लड़की के साथ, उनका शादी फिक्स हो गया था और कार्ड भी छपा गया था। ठीक है, तो दिखाया सोमेश्वर तरादोई को, देखो छोटे कुंवर किसी और, किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहते थे, वो तुमको धोखा दे रहे थे, ध्यान से देखो। जिसको, मतलब जिस पर तुम अपना सब कुछ निछावर कर दी, जिसको तुम अपनी दुनिया मान ली, जिस पर तुम मर मिट जाना चाहती थी, वही तुमको धोखा दे दिया, वही तुमको कुछ नहीं समझा। ठीक है, ये सुनकर जो है ना तरादोई को बहुत ज़ोर से झटका लगा। उसके बाद से सोमेश्वर क्या किया, कुछ पैसे तरादोई के दोनों बच्चों को निकालकर हाथ पर रख दिया। वो मतलब दोनों बच्चे तो सोए हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ सिक्के निकाले और दोनों बच्चों के हाथ में रख दिए। और उसके बाद से वो शादी का कार्ड जो सोमेश्वर लेकर आया था, शादी का कार्ड और वो सारा खतूत जो है ना तरादोई के मुंह पर फेंक कर और चला गया। बोला कि लो, जिसकी, मतलब जिसके लिए तुम बहुत ज़्यादा रो रही थी, जिसकी याद में तुम तड़प रही थी अभी तक, जिसको तुम अपना मानती थी, वही तुमको धोखा दे दिया, तुमको मालूम ही नहीं है, ये लो अपने पास ही रखो ये शादी का कार्ड और ये खतूत। और फेंक कर जो है ना सोमेश्वर चला गया। उसके बाद से तब तरादोई को एहसास हुआ कि जिसको मैंने अपनी दुनिया मान लिया था, वही इंसान मुझको धोखा दे दिया, कितना बड़ा धोखा किया है मेरे साथ।
उसके बाद से बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो गई तरादोई के दिल में छोटे कुंवर के प्रति। और उसके बाद क्या हुआ, अगली सुबह तरादोई अपने बच्चों के साथ मिलकर उस खाली संदूक को खींचकर बाहर निकाली और ले जाकर उसी शमशान घाट में उसको जलाकर राख कर दी। लो, पूरा जलाकर राख कर दी। और उसके बाद से छोटे कुंवर का कहानी का दी एंड हो गया। मतलब अब छोटे कुंवर से ये नफरत करने लगी और उसके बाद से उस वक्त से ये अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने लगी, क्योंकि उस वक्त तक तरादोई जो है ना वो छोटे कुंवर की याद में तड़प रही थी, लेकिन जब जैसे ही छोटे कुंवर की सच्चाई मालूम चली उस वक्त से मतलब छोटे कुंवर के प्रति तरादोई के दिल में नफरत जग गई और वो खाली संदूक भी जला दी और अपने दिल से छोटे की कुंवर के यादों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दी। भूल गई कि छोटे कुंवर जैसा कोई लड़का उसकी ज़िंदगी में था। और इस तरह यहाँ पर आप लोग की कहानी कंप्लीट होती है। ठीक, बस और कुछ नहीं। आई थिंक आप लोग को पूरा कहानी समझ में आया होगा, समझ में आया और मज़ा आया सुनने में। वैसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल कहानी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, इसलिए मैं बोल रही थी कि आप लोग खुद से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, कहानी सुन लेना है, तो ये आप लोग खुद से भी कर सकते थे। बट अब आप लोग का कमेंट का क्या करें, आप लोग कमेंट कर रहे थे पढ़ाने के लिए इसीलिए मैं पढ़ा दी। बट मुझे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझाने में बहुत मज़ा आता है, जो कि आप लोग को समझ में ना आए, जिसमें दिमाग लगाना पड़े, वो चीज़ करने में ना मज़ा ही। ये तो नॉर्मल कहानी है, तो चलिए कहानी बताने में भी मज़ा आता है, तो मुझे भी मज़ा आया, आप लोगों को भी मज़ा आया होगा सुनने में। अगर समझ में आया सारा कहानी, मज़ा आया, तो वीडियो को लाइक फटाफट कर दीजिए अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, और उसके बाद से चारों तरफ शेयर कर दें अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो कॉल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।